हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। ऑटो एक्सपो 2023 का जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है वो है मारुति सुजुकी की जिमनी, जो कि भाई कंपटीशन चाहिए था थार को एक, तो वो कंपटीशन कह रहे हैं कि ये प्रोवाइड करेगी गाड़ी। थार को कंपटीशन देने के लिए आई है भाई ये जिमनी, जो कि बहुत टाइम से इसका वेट किया जा रहा था, इसकी टेस्टिंग वगैरह चल रही थी, तो फाइनली अपने सामने रिवील हो चुकी है, जो कि है अपना सुजुकी की जिमनी। तो भाई जिमनी का ओवरऑल फ्रंट का लुक देख लो, इस तरीके से मिलता है, जो कि थार को कम्पीट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो आप जानो, और आपका काम भाई हमें नहीं पता, बट लेकिन हाँ मेरे को लग रहा है कि भाई कुछ तो टक्कर देगी, क्योंकि प्राइस वाइज और देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है। और भाई सबसे बड़ी चीज़ है कि गाड़ी जो है वो अपना इंडिया की गाड़ी है, तो भाई इंडिया की तो उतनी थार भी है, बट लेकिन यह है कि भाई ये गाड़ी जो है ना काफ़ी टाइम से वेटेड में थी और वेट कर रहे थे इसका लोग कि कभी कब आएगी और कब इसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक की। तो फ्रंट लुक से गाड़ी में जो है ना रैंगलर वाली जो ग्रिल है, हल्की छोटी रैंगलर ग्रिल दी गई है भाई, जो अपना थार में आती है बड़ी रैंगलर ग्रिल, वो तो भाई है ही अलग ही, पर इसमें हल्की सी लुक देने की कोशिश की गई है रैंगलर वाला, हल्का हल्का सा थोड़ा सा बॉक्स बनाए गए हैं। साथ ही साथ सामने आपको देख रहे होंगे आपको मिल जाता है सुजुकी का लोगो, सामने आपको वही अपना DRL प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ इसी के अंदर आपको DRLs भी मिलते हैं, लाइट के अंदर ही ना आपको DRLs मिलेंगी, प्लस में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे, दोनों इसी के अंदर इनबिल्ट हैं। साथ ही साथ नीचे बम्पर पे बात कर लेते हैं भाई, बम्पर जो है वो पूरा अपना लग रहा है कि हाँ भाई ऑफ रोड वाले बम्पर है तरीके का, बड़ा बड़ा तरीके से बनाया हुआ है। नीचे ग्रिल दी गई है अच्छे तरीके की भाई, और यहाँ पे क्रोम का जो सिल्वर फिनिश का काम भी काफी अच्छा किया गया है। नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे तो आपको एक जैसे कहते हैं ना बसेस वगैरह होते हैं उनके फ्लोर पे होता है, उस तरीके का लुक यहाँ पे अपना देने की कोशिश की गई है। सामने आपको नीचे फोगलैंड मिल जाती है, प्लस में ऊपर की तरफ आपको प्लस में साथ में आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जो कि आपको ऊपर ही मिल जाते हैं बम्पर के साथ में। तो भाई ये है इसका ओवरऑल सामने फ्रंट्स का लुक। बात कर लेते हैं गाड़ी के सामने के जो ग्लास है, वो ग्लास भी काफ़ी अच्छा साइज का प्रोवाइड होता है अपने को, बोनट वही सेम पहले जो अपना जिप्सी में आता था वही बोनट दिया गया, जिप्सी वाला बोनट अपने को लग रहा है नॉर्मली, ज़्यादा बड़ा कुछ यूज साइज दिया नहीं गया है। तो ये है इसका ओवरऑल फ्रंट से लुक। बात कर लेते हैं भाई गाड़ी के, देख लेते हैं सामने जो है ये इसका जो नीचे का बम्पर दिया गया ना, बम्पर काफ़ी हार्ड बम्पर है, प्लस में नीचे की तरफ जो इसमें काफ़ी अच्छा काम करने की कोशिश की गई है सुजुकी की तरफ से, जिसमें कि यहाँ पे ग्लोसी फिनिश दिया गया है, प्लस में मैट फिनिश दी गई है, ग्लोसी और मैट का डेडली कॉम्बिनेशन दिया गया है भाई। तो नीचे फॉग लैम्प जो है वो भी अपने LED में मिल रहे हैं अपने को, और ऊपर की तरफ जो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं जिसमें DRL इनबिल्ट है। तो ये इसका ओवरऑल फ्रंट का लुक है। बात कर लेते हैं गाड़ी के साइड लुक से, तो भाई बात कर लेते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल में, तो साइड प्रोफाइल से देख लो गाड़ी का इस तरीके का प्रोफाइल मिल जाता है। ब्रिजस्टोन के अपने को टायर मिल रहे हैं इस गाड़ी के अंदर, जो कि इसके एलॉय व्हील्स जो हैं वो भी अपने को मिल जाते हैं, डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। साथ ही साथ बात कर लेते हैं गाड़ी के जो टायर्स हैं वो अपने को मिलते हैं 18 इंचेस के टायर प्रोवाइड हो रहे हैं। साथ में जो प्लस में बगल में जो ये दिया गया है फेंडर पे जो काम किया गया ये भी काफ़ी अच्छा किया गया, जो कि कार्बन फाइबर का काम किया गया है। साथ ही साथ बात कर लेते फेंडर पे एक अपने को इंडिकेटर मिल जाता है, जो कि छोटा सा इंडिकेटर है, किस लिए दिया गया है या इसका कोई मतलब ही नहीं बनता देने का, छोटा सा दिया गया है इसकी ब्यूटी को और ज़्यादा बेकार कर रहा है, कोई इन्हेंस तो कर नहीं रहा मुझे लगता जहाँ तक है। तो भाई देख लेते हैं साइड से, साइड की बात कर लो भाई, साइड में देख लो गाड़ी में ऊपर की तरफ रूफ रेल्स देने की कोशिश की है, रूफ रेल तो नहीं है साइड में ऊपर की तरफ है ना, कुछ ये एडवेंचर्स करने का कोशिश की गई है मारुति की तरफ से, कुछ अच्छा ही लग रहा है भाई, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा सा लुक प्रोवाइड कर रहा है। साइड का ORVM जो है वो पूरा का पूरा अपना ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ आता है। साथ में बात कर लेते हैं गाड़ी के डोर्स पे, तो डोर भी काफ़ी अच्छा ह्यूज साइज डोर दिया गया है, और ग्लासेस जो हैं वो काफ़ी ह्यूज साइज ग्लासेस दिए गए हैं भाई, अंदर का जो व्यू है काफ़ी अच्छा आ रहा है, ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ज़्यादा दी गई है। और बात कर लेते हैं गाड़ी के डोर हैंडल जो है, डोर हैंडल वही जो अपने आते हैं ओल्टो के अंदर, ओल्टो वाले ही दिए गए हैं भाई, टोटली डोर हैंडल भी सेम बॉडी पैंट के अंदर आ जाते हैं, कोई अलग से मतलब रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, बट लेकिन वो भी साइड में दिया गया है, रिक्वेस्ट सेंसर है। और साथ ही साथ देख लो भाई पूरा ओवरऑल नीचे जिमनी की बैजिंग मिल जाती है अपने को, और कितना अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहा है, सामने से क्लाइडिंग जा रही है, या फुट स्टेप वगैरह की जरूरत मेरे को लगता नहीं होगी, इसलिए फुट स्टेप वगैरह नहीं दिया गया। गाड़ी की हाइट काफ़ी अच्छी है ऑफ रोड के हिसाब से देखा जाए तो, काफ़ी अच्छी हाइट दी गई है गाड़ी में, और नीचे ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छी दी गई है। ग्राउंड क्लियरेंस जो अपने पास आ जाएगी तो हम आपको बता देंगे कितने MM की ग्राउंड क्लियरेंस है, अभी अपने को पता नहीं है, जैसे गाड़ी लॉन्च होगी शोरूम वगैरह पे आएगी तो अपने को पता चल जाएगी भाई। तो साइड में देख लो गाड़ी के, ये पूरा ओवरऑल साइड प्रोफाइल है गाड़ी का, इस तरीके की इतनी लेंथ गाड़ी प्रोवाइड कर रही है भाई, तो ये गाड़ी की ओवरऑल लेंथ है। बात कर लेते गाड़ी के बी पिलर पे, तो बी पिलर भी काफ़ी अच्छा दिया गया, ह्यूज साइज बी पिलर है, सी पिलर में भी थोड़ा सा छोटा सी पिलर दिया,
जो सी पिलर है, सी पिलर पे जो ग्लास है वो काफी छोटा दिया गया है, हल्का है पर ठीक है, काफी एरी एरी फील हो रहा है भाई, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़ा है, पर अच्छा लगेगा अंदर बैठने वाले लोगों को। तो जिमनी इसका जो वेट था काफी टाइम से था भाई। अब बात कर लेते गाड़ी के टेल की, तो गाड़ी के बैक साइड में अपने को क्या क्या मिल रहा है देख लेते हैं। तो भाई ये है गाड़ी का बैक साइड का प्रोफाइल। तो बैक साइड प्रोफाइल पे अपना एक स्पेयर व्हील दिया गया है जैसा थार में अपने को मिलता है। पीछे का जो ग्लास है वो काफी हुज साइज ग्लास है और पीछे का डोर पैनल भी काफी हैवी दिया गया है। रिक्वेस्ट सेंसर के साथ डोर हैंडल मिल जाते हैं आपको। नीचे की तरफ आपको बम्पर पे स्टॉप लाइट्स मिल जा रही हैं, बैक लाइट मिल जा रही हैं और रिफ्लेक्टर वगैरह नहीं है, स्टॉप लाइट बैक लाइट अपने को मिल जाते हैं जो कि अपना मिल रही है अपना हैलोजन बल्ब के साथ में मिलती है। तो ये गाड़ी अपना नेक्सा पे अपने को अवेलेबल हो जाएगी कुछ टाइम बाद जैसी आती है। ऑल ग्रिप की बैजिंग पीछे मिल जाती है अपने को और भाई इसका स्पेयर व्हील्स है जो कि अपना डोर पे ही हैंग किया गया है। गाड़ी का ओवरऑल साइड प्रोफाइल और बैक प्रोफाइल मैंने आपको दिखा दिया, फ्रंट प्रोफाइल से आपको मैंने गाड़ी दिखा दी है। तो कैसी लग रही है गाड़ी आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं भाई किस तरह का लग रहा है। बात कर लेते गाड़ी के रूफ पे, रूफ पे आपको शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता, एक नॉर्मल एंटीना दिया गया है। ये देख रहे हो आप, कोई नॉर्मल एंटीना मिल जाता है तो काफी अच्छा लग रहा है यार, मतलब लग रही है हाँ भाई आर्मी वाली गाड़ी का लुक, जो पहले जो जिप्सी जिस तरीके की इसकी लेग्सी थी उसको दोबारा से लेके आने की कोशिश की गई है मारुति की तरफ से। तो काफी अच्छा लग रहा है कि भाई मारुति दोबारा से आ गया है 4x4 सेगमेंट के अंदर। तो जितने भी ऑफ रोड वगैरह एंथुसियाज्म लोग हैं वो इसको गाड़ी को प्रेफर कर सकते हैं भाई। अपना नॉर्मली 10 लाख के अंदर ये गाड़ी अपना लॉन्च की गई है, 10 लाख का इसका एक शोरूम प्राइस रखा गया है और उसके बाद जो है 10 लाख के अंदर इस सेगमेंट की गाड़ी मिलना ये बहुत बड़ी बात है भाई अपने आप में। तो अच्छा लग रहा है कि मारुति ने एक स्टेप लिया है इसके लिए और मारुति इसके ऊपर काम कर रहा है भाई। तो इसके लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके अपना देखते रहें अपना चैनल। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।